साड़ा है सज्जन राम, राम है जहान, शब्द है गुरु शरीर नहीं है, ओम अमर है आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। जय सिया राम प्यारे मित्रों, मेरा नाम राघव गोयल है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक स्कूल है। आज का मेरा विषय है संकल्प स्वच्छ। जब तक हम बाहर की सफाई नहीं रख सकेंगे तो अंदर की सफाई सज्जनों किस तरह कर सकोगे, अर्थात बरूनी वृत्ति को धारण करते हुए और अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक चलते हुए हमने अंदरूनी वृत्ति को पकड़ना है और फिर शारीरिक स्वभाव की सफाई करनी है। संकल्प का शाब्दिक अर्थ है कार्य करने की वह इच्छा जो मन में उत्पन्न होती है। इस दृढ़ निश्चय, पक्का विचार, इरादा तथा कल्पना आदि भी कहते हैं। संकल्प की स्वच्छता से तात्पर्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली कार्य विशेष करने की इच्छा या अपने विचार, उद्देश्य, इरादे को जगत विश्व विकारों यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कुसंग से विमुक्त रख निर्मल अवस्था में साधे रखने से है। अतः संकल्प को ही मन समझो, क्योंकि आज तक कोई भी संकल्प और मन को अलग नहीं कर सका है। संकल्प पर फतेह ही मन पर फतेह है। संकल्प की अभिव्यक्ति पहले मन में होती है, तदनंतर यह वाणी या क्रिया के रूप में प्रकट होता है। ज्ञानेन्द्रिय के पदार्थ के संपर्क में आते ही भाव के माध्यम से इंसान स्वार्थ सिद्धि हेतु जब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मनोविकारों का आश्रय ले आक्रामक हो जाता है तो उसका संकल्प कुसंगी हो अस्वच्छ हो जाता है। संकल्प की निर्मलता को साधे रखने हेतु आत्मिक ज्ञान के आधार पर अपने मन में उठने वाले संकल्पना, इच्छा, विचारों, इरादों को पकड़ो, यानी उसके अच्छे की विवेकशीलता से जांचना, तुलना करो। संकल्प जब स्वच्छ हो गया तो उसे सज्जन व संगी बनाने हेतु आवश्यक है कि समस्त कार्य व्यवहार करने हेतु हमारा संकल्प प्रभु की तरफ हो। जिस तरफ संकल्प उसी तरफ दृष्टि, एक दृष्टि और एक दर्शन। सज्जनों, हम सबको चाहिए कि संकल्प पर पूरी तरह से फतेह का जावे और फर्स्ट निकालकर दिव्या दृष्टि लेकर आवागमन के चक्कर से बच जावे। सज्जनों, जब हमारा संकल्प सज्जन हो गया तो फिर घर भी सज्जन, परिवार भी सज्जन, वह संसार भी जो सज्जन हो जाए। जय सिया राम दोस्तों।